देखिए पहले आपको करना क्या है, एंड विनर ऑफ द बेस्ट बाइकर गोज टू एनएस किड सुनील। एवरीवन कैसे हैं आप लोग? तो आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैफिक से। ट्रैफिक ओपन हो गया, मुझे लगा कि टाइम लेगा तो सोचे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एनीवेज आज का कुछ अलग सीन है, आज हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड का घर। तो अभी सबसे पहले तो अभी जाना है हमें बड़ा तालाब। तो हम पहुंच चुके हैं बड़ा तालाब, ये है ब्लैक पैंथर आकाश भैया, एनएस किड सुनील। फ्यूल भराना है पहले, यार पानी भर गया है पूरा, लेकिन वही ग्रीन ग्रीन गंदा पानी है। तो साउंड तो सुन ही रहे होंगे, कैसा सुना रहे हैं? अब स्टॉक लगाने का मन ही नहीं करता, अब इसे मजा आता है, लगता है किसी टाइप का सुपर बाइक चला रहे हैं। ओहो फुल स्नेक मोड ऑन, यार मेरे टायर बहुत स्लिप कर रहे हैं, पूरा पूरा मोटो जीबी वाला प्लेन हो गया मेरा, बस एबीएस के भरोसे चल रहे हैं। आई होप ऑडियो अच्छा रहा होगा आप लोगों को। आज ब्लैक पैंथर अपना गाड़ी नहीं लाया है, ये तो हमेशा अपना गाड़ी लाता, पर पैसे बचा रहा है ब्लैक पैंथर अपना, लग जाएगी भाई इधर। अरे अचानक इंडिकेटर दे देते हैं हम। चेन भी बहुत आज कर रहा है, चेन भी लूप नहीं कर रहा है, ऐसे ही चल रहे चल रहे। रुक जा भाई, अरे घुसा देना एकदम, यार मैं बहुत पीछे रह गया, ये तो कहाँ आगे चल गया, पीछे गाड़ी आ गया था तो रोक दिया था पूरा। फ्यूल एक भी नहीं है, अभी पूरा रेड हो गया है, तो ढूंढते हैं पहले पेट्रोल पंप। ये क्या है बीच में, इसको ऐसा क्या रोक दिया, भयंकर भी है भाई। पहले ये लोग रोड बना लेते हैं, अच्छे से बना लेंगे रोड, फिर बाद में बोलेंगे अरे मैंने तो पाइप डालना भूल ही गया, इसके बाद बाद में कारनामे करते हैं एक से एक। अरे यार कितना लगा हुआ है, आई थिंक पाइप जा रहा होगा इसके अंदर, वाटर पाइप और गैस पाइप, पेयरिंग हो रही होगी या फिर। तो गाइस ये है अपनी ड्यूकी का घर, KTM शोरूम। कहाँ गए यार, पहले वहाँ था अब उधर हो गया, और KTM लिखा हुआ। ओ भाई मेरे सामने से पूरा फ्लाई बाय देके निकला है ये स्क्विड, ड्यूक 390 वर्सेस पल्सर 150। ओ भाई देख रहे हो, Why are you running? कह रहा होगा मेरे से कैसे आगे निकलेगा तू, देख रहे हो। तो फ्यूल अप करा लेते हैं पहले, अब वेट करते हैं इनका, कहाँ रह गए ये, और ये रहे कहाँ चल जाता है। अरे तुम लोग कहाँ रह गया था, हम तो शॉर्टकट आए थे उधर उधर से, पेड़ था तो बहुत जादू का। अरे यार मुझे तो लोकेशन पता ही नहीं, मैं आ गया।
सही है। फ्लावर देख रहे हो, चेक करो गाइस दिस फ्लावर्स, क्या सही लग रहे हैं। आई थिंक सो तो कुछ ऐसा है इधर का रास्ता। हम आए हैं आलोकित के घर। रियली? ओहो देखिए स्मार्ट जेंटलमैन। ओह माय गॉड। और भाई क्या हाल, क्या हाल? कांग्रेचुलेशंस फॉर न्यू लाइफ, वही ना बोलते हैं। थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। अरे साथ है ब्लैक पैंथर। हम क्या कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, लेके नहीं आए हैं आज, लाएंगे भी नहीं करके। बहुत ही कंजूस आज करके ऐसे ऐसे बड़े लोग के पास कंजूस आज कंजूस बचाने के चक्कर में आया नहीं लाया नहीं, क्या कर रहे हैं समझ रहे हो। तो थोड़ा सा बाहर चलते हैं। हम लोग का चखना, रेड बुल का चखना। लो एंड विनर ऑफ द बेस्ट बाइकर गोज टू NS किड सुनील। पहनो पहनो पहनो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन लो। देखो हमको बहुत खुशी हो, तुम वैसे ही करके घूमो, तुम अच्छा दिखेगा, अच्छा दिख रहा है, ऐसे ऐसे चिपका लेना समझा। वाह रोड मस्त खाली खाली है। पता नहीं, ओ हम लोग तो गए थे कुछ दिन पहले, थोड़ा आउटसाइड कर देते हैं। ठीक बोलता है, आगे कर देते हैं। अरे बाप रे, ये सही में वे कहाँ है? अबे उतना कुछ नहीं होगा। तो हम थोड़े जंगल वाला वाइब लेने के लिए अंदर जा रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक सब लेके, यही हमारा दारू है। गाड़ी तो वहाँ छोड़ दिए। बुलबुलिया हरकत, तो पूरे अंदर डाल दिया उसको खाने के लिए, पूरा फाड़ के खा रहे हैं। नहीं खाना है भाई मुझे, खा लो कर दिया ना गुल्ली बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ा फोटो शूट हो रहा है और बताते हैं आपको इस ड्यूक के बारे में। ये है BS6 ड्यूक 390 क्रेड 2020 मॉडल। BS4 नहीं है ये, BS6 है। ये स्टिकर लगा हुआ है वहाँ बस, और देख सकता है इधर से इसका एग्जॉस्ट नीचे से गया, मतलब ये BS6 है। और हाँ वो मेरा वाला मैं इधर नीचे से गया, इधर साइड से। तो बहुत डिफरेंस है इसमें इसमें उसमें, और इलेक्ट्रॉनिक सब ऐड कर दिया है, क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लीपर भी मिलता है इसमें।
क्विक शिफ्टर मिला है इसमें, वो बहुत अच्छा चीज़ है इसमें। और बाकी स्टॉक ही है, क्रैश गार्ड लगा हुआ है जाना का, और पीछे टेल टाइड वगैरह नहीं है। चलो पहले इसको ट्राई करते हैं, BS6 को कैसा भागती है। क्विक शिफ्टर ये बहुत नॉइस कर रहा है यार, वाइंड होल्डर काफी स्मूथ लग रहा है इंजन, बट मुझे ऐसा पावर का थोड़ा सा कमी लग रहा है। मेरे BS4 वाले में थोड़ा ज्यादा पावर है ऐसा लग रहा है। एक वीडियो बनाएंगे ड्रैग का तो वहाँ पता चल जाएगा कि क्या है डिफरेंस, कितना पावर डिफरेंस है इस पे। तो दिखा देते हैं, इसमें भी लगा हुआ है वो फॉग लाइट्स, और बाकी पूरा स्टॉक है, बस स्टिकर चेंज है और वो क्रैश गार्ड लगा हुआ है। बाकी BS6 है ये, ड्यूक 390 अपोलो के टायर्स, और ये लीवर गार्ड्स। तो बाइक अभी सिर्फ 8000 चला हुआ है, वैसे चलाने में काफ़ी स्मूथ लग रहा है, वाइब्रेशंस भी उतने नहीं हैं, मक्खन चल रही है एकदम, ब्रेक्स भी मस्त लग रहे हैं, बस मुझे पावर का थोड़ा सा कमी लग रहा है। तो कमेंट में आप बताइए कि आपको स्टॉक ज़्यादा पसंद है कि मॉडिफाइड, और देख सकते हैं दोनों का लुक, BS4 या BS6। आपको और एक चीज़ दिखा दूँ, ये है ड्यूक 250 BS6 है, इस पर भी बैली पैन लगा हुआ है, और बाकी ये साइड बॉडी किट भी लगाया हुआ है इसमें, और इससे तो काफ़ी मस्त लुक आता है, आगे से ऐसा लगता है और चौड़ा हो गया इधर, लुक काफ़ी बढ़िया है इसका। और इसमें भी सेम मेरे वाले जैसे ही एक्रापोविक लगाया हुआ है, बाकी इसका साउंड उतना ज़्यादा नहीं है। तो आज BS6 250 को भी चला के देख लेते हैं। 250 तो चलाया है मैंने, मेरा पहला बाइक ही 250 था, ड्यूक 250। आपको मैं पिक्चर्स दिखा देता हूँ, BS4 था वो, नॉन ABS, और मैंने काफ़ी अच्छा स्टिकरिंग कराया था इसमें, उसे फिर बेच दिया, फिर तो काफ़ी मिस करता हूँ उसे, क्योंकि फर्स्ट बाइक थी और मैंने 390 लेने के लिए उसे बेच दिया। बाकी डिफरेंस तो मुझे उसका पावर आज भी याद है, मैं उसे स्टंट वंट किया करता था। तो काफ़ी स्मूथ है, BS6 के सब गाड़ी स्मूथ है, एकदम मक्खन चल रही है। बाकी इस पर भी विली ट्राई करते हैं। अरे यार ये वाला दिक्कत कर रहा है, मैं तो 390 पे दो गियर पे विली मारता हूँ, इस पर एक पे मार रहा हूँ क्योंकि उतना पावर तो नहीं है। चलिए आपको थोड़ा सा मैं विली ट्यूटोरियल्स दे देता हूँ, बस पॉपअप करने का बताऊंगा मैं, मुझे उतना तो नहीं आता कि लंबा ले जाऊँ। देखिए पहले आपको करना क्या है, क्लच आप 2 फिंगर्स पकड़ लीजिए, आप 1 फिंगर से भी पकड़े तो वो भी चलेगा ऐसे, और आपको थ्रॉटल देना है लगभग, आपको हैंडल पे ज़्यादा ग्रिप रखना है, को आप एक या दो ही उंगली से करिए, वही सेफ रहता है। 7000 RPM तक जाना है, 7 या 8000, और फिर आपको तुरंत क्लच छोड़ देना है, वैसे ही धीरे धीरे आपको होगा, फिर आपको अगर ज़्यादा हाइट पे आ रहा है गाड़ी तो ये ब्रेक मारना है आपको। चलिए आपको डेमो दिखाते हैं, तो ऐसे होता है विली पॉपअप। मुझे एक उंगली से आदत है, इसीलिए आपको फर्स्ट में एक उंगली से आदत नहीं हो पाएगा, मगर अब धीरे धीरे आप धीरे धीरे करके विली होगा तो पता चल जाएगा। तो ऐसे होता है विली, 390 पे तो जल्दी हो जाता है, बाकी 250 पे थोड़ा ज़्यादा RPM देना पड़ता है। और BS4 जितनी पावर नहीं है इसमें, BS4 में थोड़ा और ज़्यादा पावर है, वो जल्दी उठ जाती है।
तब अभी लग रहा है कि बारिश आएगा, लेकिन मौसम बहुत सही है। बिल्ली हो जाए क्या? तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।